आपसे जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ जा करके फिर हम आपसे और सारी बातें करेंगे, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर मुझे जाना था और मेरा ड्रीम प्लेस था वहाँ पर मैं जा रही हूँ। डिजी यात्रा ऐप के बारे में सुना था, यूज करके देखेंगे काम आती है कि नहीं। फिलहाल तो ऐसे भीड़ को देख के लग रहा है कि रश होने ही वाला है। चलो मिलते हैं अंदर चल के। हे गाइस, क्या हाल है? और जैसे आपको मैंने वीडियो के पहले बताया था कि डिजी यात्रा का हम यूज़ करने वाले हैं, भाई बहुत गजब ऐप बनाई है। हमें सिर्फ 2 मिनट लगे और हमारा सब कुछ, सब सारा कुछ हो गया और लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। खबरें आ रही थी कि ये लोग बहुत फुटफॉल है बहुत ज़्यादा, लेकिन दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग चले हैं अपनी एक बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क करने। ठीक है, सीधा आपको वहीं पर मिलेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। आगे आने वाला पूरा हफ्ता बहुत गजब जाने वाला है। ठीक है, ये तो चेहरे पे खुशी इसके पूरी भयंकर है, ये ना सारे रास्ते नाचते आई है। और इवन भाई भागी जा रही है, क्या हो गया? जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था, मैं डरी हुई थी बिल्कुल भी। तुमने मुझसे पूछा था और मैंने क्या कहा था? आई अग्री, लेकिन तुमने वो नेपाल वाले ना जो फेसबुक लाइव था, वो भी फालतू में इतना ज़्यादा देख लिया। ठीक है, टाइम फॉर बोर्डिंग, जब लैंड होंगे तो मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं, लैंड हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट की ओर। थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज़ है इनको पूरा करके फिर हम आपको अपने रिज़ॉर्ट पर लेकर के चलेंगे। सो गाइस, मालेपुर से आप यहाँ पहुँचते हैं एंड देन इस रूट के ज़रिए, इस बोट के ज़रिए आप अपने विला पर जा सकते हैं। अभी हम इस बोट के ज़रिए जाएंगे अपने विला पर और आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा हमारा विला रहने वाला है और इस बोट में भी आपको अपने साथ सफ़र कराएंगे। आई होप आप ज़रूर इन्जॉय करें और आपको काफ़ी कुछ पता चले मालदीव्स के बारे में, ताकि अगली बार जब आप आएँ तो आप अच्छे से प्लान कर पाएँ। जैसे ये बोट में बैठ के अपने प्राइवेट आइलैंड पे जाने वाले हैं और जो कि यहाँ से 20 मिनट के बोट ट्रैवल पे है, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं बोट से अपने प्राइवेट आइलैंड की तरफ। बैठ गए हैं, मॉल बन गए, देख लो जरा। और हमने थोड़ा सा सस्पेंस बनाया था तो हम आए हैं मॉलीज़। ये आपको पता लग ही गया होगा, अभी से टैन, नीले पानी के लिए अभी से टैन होने लग गया। अच्छा, जो लोग सनस्क्रीन नहीं लेकर के आए ना, वो सनस्क्रीन जरूर लेकर के आए यहाँ पर। मस्त अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़्यादा करते, लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स, आई विल शेयर दोस पिक्चर्स विद यू ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरी अदर प्लेटफॉर्म। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लोग हमारा वेलकम अपने अंदाज में करेंगे। थैंक यू। सो दिस विल बी आवर विला। विंटर्स में पहनने वाला मैंने ये हाईनेक पहना हुआ है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग इट। ऑब्वियसली कल जब अपन आए थे तो दिल्ली में गिरना चाहिए भाई, दिल्ली में इट वॉज 2 degrees, यहाँ पे 32। ठीक है, तो और ऑब्वियसली फ्लाइट से ट्रांजिट करते करते अपने को टाइम भी नहीं मिला। मैंने लड़की होने का फ़ायदा उठाया, आई टुक इट ऑफ और पुश किसने दिया? बीवी ने। मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि जाओ वरना मेरी तरह तुम भी जल जाओगे। और आँखें देखो मेरी, वैसे ही आँखें छोटी छोटी खुल रही थी, शेड से निकाले इसने मेरे। मैंने निकाले बट वो गलती से दोनों मेरे ही निकल गए। चले भाई, अभी हमारा रूम रेडी हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक बार दिखा दूं कि माहौल कैसा है। भाई भयंकर गर्मी, अभी कहते हैं कि दिसंबर जनवरी बेस्ट मंथ होते हैं और मेरी आंखें नहीं खुल रही यार बिल्कुल भी। मैं सोच रही हूं कि अगर ये बेस्ट मंथ है, हाँ, तो फिर सबसे ज़्यादा वर्स्ट मंथ क्या होंगे यार? पता नहीं, जो भी है
इसीलिए मैं बीच पे यूजली अवॉइड करता हूँ, बट मालदीव वाज समथिंग दैट वाज इन माय बकेट लिस्ट, मुझे एक बार तो जाना ही था और वर्थ है यार। वैसे आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा आइलैंड रिजॉर्ट है, ठीक है, आइलैंड रिजॉर्ट है ये हमारा। और अभी पीछे अगर आपको दिखा पा रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे विलाज हैं, ठीक है। ओह ये ओ क्रैब है, ये तो बहुत बड़ा क्रैब है बे, रहने काट कूट लेगा पीछे भाई साहब, क्रैब दिख रहे हैं वो इतना बड़ा था भाई, पत्थर जितना बड़ा क्रैब था वो। एनीवे भाई लोग अपन चल रहे हैं अपने वाटर विला की तरफ, ठीक है। लगेज उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो इस बार एक बार जाके अपना रूम एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलो 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 चलो, ये वाटर विला का छोटा सा टूर कराता हूँ। सबसे पहले हाँ जी चाची जी, ये थोड़ा सा कपड़े रखने के लिए दिया हुआ है हमको, पैंट्री एरिया सेफ, ताकि हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सके। आइए आपको वॉशरूम चेक करा देती हूँ मैं, और ये थोड़ा सा होटल में दिया था सो दैट के हमें फील आए। अरे नीचे नीचे पानी मछली है यहाँ पर, अरे सही 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 सही, सही, सही। नाइस नाइस नाइस। चलो अभी अपने रूम की तरफ, मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। सो दिस इज आवर रूम, यहां पे हम स्टे करने वाले हैं, और सबसे मेन मैच चल रहा था अभी देख रहे हैं। हाय, दिस इज आवर बेड, वो ड्रेसिंग एरिया है, छोटा सा बेड है, और हमारा डेक, हमारा डेक जिसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई थी, और वाकई बहुत अच्छा है। ये शावर का भी है यहाँ पे, अरे नहीं गिला है मम्मा, सॉरी गाइस सॉरी। तो ये स्ट्रेट जाता है समुद्र में, यहाँ जाने का रिस्क कौन लेगा ये बताइए पहले। चलेंगे चलेंगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ओ वो देखो, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर पाए तो वो जा रही है। हाँ अभी हमने वहाँ नीचे बेबी शार्क्स देखी थी यार, मैं आपको दिखाऊंगा यार, बेबी शार्क्स दिखाऊंगा आपको, मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और सबसे अभी अपना ये दिखाते हैं ना बेडरूम का व्यू क्या हमारा आता है। वाह वहाँ पे कैसे जा सकते हैं यार, मालदीव यार एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप नेचर को एक्सपीरियंस करने आ रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा वाटर एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी स्पेशल नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलेंगी, हैवलॉक आइलैंड पे अंडमान में सब कुछ बढ़िया मिलेगा इससे 110th रेट पे, ठीक है। और कोरल्स वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सुबह करती हूँ, लेकिन यहाँ का जो ये एक्सपीरियंस है ना ये वाला कि पानी इतना साफ, 99% शाम को जाएंगे वो वहाँ पर सामने बीच विलाज है, ठीक है। ये वाटर विलाज है लाइन से सारे इधर आप देख पाएंगे, और ये बीच विला है, हाँ थोड़े से नॉमिनल है, लेकिन वाटर विला आ रहा होता है ऑन थोड़ा सा हायर साइड है, ठीक है। वो सामने माले सिटी है वहीं, और उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे लाइन से ऐसे ही रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, ऐसे ही आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं और वाटर विलास जगह जगह बने हुए हैं। आओ चलो चलते हैं अंदर, और मैं आपको अपना मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है सुबह। गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, हम लोग ब्रेक लेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, और मैंने आपको अपना मॉर्निंग व्यू दिखाया, इसी व्यू के साथ हम सुबह उठेंगे और मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का टूर कराऊंगा, बीच पे घुमाऊंगा, और क्या क्या हम फन ये स्कूबा वगैरह और भी वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे जो भी यहाँ रिजॉर्ट पे हो रही है वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जब हमको पूरा जो मालदीव्स ना वो कवर करा दूंगा, एटलीस्ट जो हमारा एलाफुशी आइलैंड है ना वो कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।